हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम अगेन ऑन निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई होप कि आप सभी ठीक हैं और आपकी प्रिपरेशन भी ठीक ठाक चल रही होगी। सो मेंस एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है और ये काफ़ी क्रिशियल टाइम है आपके लिए, और मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। सो इस वीडियो में जो है हम हिमाचल प्रदेश साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक, तो वो हम डिस्कस करेंगे और कुछ मैं आपसे रिलेवेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा। तो आई होप कि जो भी वीडियो ये सीरीज चल रही है कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रही है, और हो सकता है कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो फटाफट हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो जो टॉपिक्स हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के, देखिए सबसे पहले मॉडर्न एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात की है, और इसमें स्पेसिफिकली इन्होंने अटेंशन दी है बायोटेक्नोलॉजी को और उसकी पॉलिसी के बारे में बात की गई है, और साथ में अप्लीकेशन पूछी गई है बायोटेक्नोलॉजी की इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड राइट फॉर योर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है, ये पहला टॉपिक है। उसके बाद IT पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इट्स रेलिवेंस द रोल इन द ई गवर्नेंस, एंड यू कैन से दैट हिमाचल प्रदेश की IT जो पॉलिसी है उसका क्या जो है पर्टिकुलर रोल है हमारी गवर्नेंस में, और साथ में कंसेप्ट ऑफ योर हिमस्वान लोकमित्र केंद्र एंड आर्यभट्टा जो इन्फॉर्मेटिक स्पेशल एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है, इसके पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव और ये इसकी क्या जो है वो सिग्निफिकेंस है। सो ये कुछ टॉपिक है, और उसके बाद स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी, इस पे एक्शन प्लान, और वट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द डिक्लेनेशन ऑफ योर बायोडाइवर्सिटी एंड वट आर द योर एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड स्पीसीज ऑफ योर हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये कुछ टॉपिक है। और उसके बाद रेलिवेंस एंड रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस एंड योर ट्रेडिशनल विजडम नॉलेज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दीज आर द टॉपिक्स। फटाफट जो है हम ट्रेंड देख लेते हैं। देखिए जो पहला टॉपिक है इसमें जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई है। हो सकता है इस बार बायोटेक्नोलॉजी को टारगेट करें, तो आपने बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है और क्या स्ट्रेटजीज हैं, तो उस सेक्शन को आप देख लीजिएगा। हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन वहाँ से पूछ लें, और ट्रेंड क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज डिस्क्राइब द मेडिसिन प्लान पॉलिसी 2006 ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये भी रिसेंटली 2020 में पूछा गया। अगर ये 2020 में लास्ट ईयर ही पूछा गया है, रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है। तो मेडिसिन प्लान पॉलिसी जो है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स वेयर पॉलिसी में बताए गए हैं, पूरा मैकेनिज्म बताया गया है मेडिसिनल प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। द क्वेश्चन द सेकंड, डिस्कस द वेरियस इनिशिएटिव ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द कंजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स। तो देखिए ये इसी में ही जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इसमें मेडिसिन प्लांट पॉलिसी के बारे में आप बात करोगे, राइट। जो मेडिसिन प्लांट पॉलिसी आई थी स्पेसिफिकली इसमें अटेंशन दिया गया था इन पर्टिकुलर एरोमेटिक प्लांट्स को, और साथ साथ में जो मेडिसिन हर्ब्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हमने इस पर्टिकुलर पॉलिसी में बात की है। तो ये सब मिलते जुलते क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट, डिस्क्राइब द प्रीएम्बल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ AGISSE, दैट इज योर आर्यभट्टा जैन इन्फॉर्मेटिक स्पेशल सेंटर, ठीक है। तो इसमें प्रीएम्बल पूछा गया है, तो मतलब ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात हुई है, क्या क्या ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बाद किस तरह के चेंजेस देखे गए हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, ठीक। सो अकॉर्डिंगली आप इसके बारे में सोच लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप्लीकेशंस ऑफ योर बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये अभी तक इस तरह से कुछ क्वेश्चन नहीं देखा गया है, तो आप उस तरह से भी तैयार रहिएगा, हो सकता है क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिया जाए। तो बायोटेक्नोलॉजी को इस बार अच्छे से आप जो है वो तैयार कीजिएगा टॉपिक को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इनिशिएटिव ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द कार्बन पॉजिटिव एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वाटरशेड, ये भी क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था यहाँ पे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वेरियस प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश, इसमें डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के इसमें बारे में बात हुई है। तो देखिए इसमें बायोटेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं घूम फिर के आ जाएगी, क्या क्या सरकार जो है कर रही है अगर हॉर्टिकल्चर को अच्छा करने के लिए, और हॉर्टिकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी की जो है काफ़ी एप्लीकेशन हैं। देखिए बहुत कुछ ये जो है वो रोल प्ले करता है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, और हॉर्टिकल्चर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन है। तो घुमा फिरा के जो है क्वेश्चन जो है पूछे गए, अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट आर द मेन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ किन्नौर एंड लाहौल स्पीति, बहुत ही सिंपल सा जो है कोई क्वेश्चन इन्होंने 2016 में पूछा गया था, बहुत पहले पूछा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है टॉपिक्स रहे। नेक्स्ट टॉपिक आपका और से देख लेते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन आए, दैट इज IT पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एंड इट्स रोल इन दी गवर्नेंस एंड देन कंसेप्ट ऑफ योर हिमस्वान एंड कंसेप्ट लोकमित्र केंद्र AGISSE, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन अभी तक जो पूछे गए फिलहाल इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छा करने के लिए, आप एक बार इकोनॉमिक सर्वे का जो IT वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, और उसमें बड़ी सारी ऐसी जो है कुछ कंटेंट आपको जो है मिलेगा जो कि वैल्यूडेशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ भी इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में पूछा गया है, मतलब लोकमित्र केंद्र के बारे में यहाँ पे बात हुई है, और किस तरह का जो है वो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और हो सकता है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ई गवर्नेंस
बेसिकली गवर्नेंस को लेकर सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव रहे हैं, इसमें लोक मित्र केंद्र की वजह से लाइफ में, लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, तो उसको उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो आपको इवेल्युएट करो, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। लोक मित्र केंद्र को अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्या कुछ हर्डल्स जो है वो रही हैं, क्या इसमें हर्डल्स देखी गई हैं, नहीं देखी गई हैं, और जैसे आपको पता है कि हम इंटीग्रेटेड कम्युनिटी सर्विसेज सेंटर की बात करते हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आई थिंक वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट्स इट। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटीग्रेटेड कम्युनिटी सर्विस सेंटर फॉर इज इन द लाइफ ऑफ द पीपल इन हिमाचल प्रदेश, तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, ठीक है। हमें पता है कि एक तरह से सारा हमें सर्विसेज यहाँ पे एक जगह पे मिल जाती है, जिसमें हिमभूमि हम पोर्टल की बात कर लेते हैं, ठीक है, सारथी सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, जो जो भी इन सॉफ्टवेयर की वजह से जो जो भी हमें हेल्प मिलती है, सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है, वो सब हमें एक ही पर्टिकुलर सेंटर में मिल जाती है, तो ये भी इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया है। और हिम स्वान को आगे इन्होंने जो है वो पूछा है, डिस्क्राइब द की डिलीवरी योर द की डिलीवरेबल्स ऑफ हिम स्वान स्टेट वाइड टेली नेटवर्क, ठीक है, 2018 में पूछा गया था। हिम स्वान तो आपको जस्ट लाइक पता ही है, ठीक है, इसकी वजह से जो है हम अवेयरनेस की जो भी बातें हम कर रहे हैं अवेयरनेस की, तो जस्ट ऑल कॉज ऑफ द हिम स्वान, ठीक है, क्योंकि विलेज लेवल तक, पंचायतों के लेवल तक जो है वो आपके पास सिक्योर नेटवर्क जो है प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको भी अच्छे से आप एक बार देख लीजिएगा। और हिम स्वान के इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बाद किस तरह की चेंजेस जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में देखी गई हैं, उस कंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड देन डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेटस ऑफ योर डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन हिमाचल प्रदेश, यस, इट इज कनेक्टेड टू योर हिम भूमि, राइट। सो ये आपके पास 2018 में पूछा गया था। Then after that, what services are being provided by HimSwan to bring the efficiency and transparency in Himachal Pradesh for the public administration of the state? In the public administration of the state, ये 2017 में पूछा गया। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसा मैंने आपको प्रोबेबल बता भी दिया है कि लोकमित्र केंद्र के आने के से जो है ये जो कंसेप्ट है लोकमित्र केंद्र का, ठीक है, इसकी वजह से जो है लोगों को क्या क्या फ़ायदा मिला है, ठीक है, क्या क्या अपनी चेंजेस देखे हैं, उस तरह के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डायरेक्टली आईटी पॉलिसी आपसे पूछी जा सकती है हमारे हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। सो आप रेडी रहिएगा, नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं फटाफट, और दैट इज योर स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान, ठीक है। इस बायोडाइवर्सिटी एक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, इसके क्या फंक्शन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम प्रोबेबल क्वेश्चन को देखें तो आपने अकॉर्डिंगली इस टॉपिक से आपने आपको प्रिपेयर करना है। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट बोर्ड जो हमारे हिमाचल प्रदेश, और उसके क्या फंक्शन है, ठीक है, और क्या क्या इनिशिएटिव अभी सरकार जो है दे रही है, ये मतलब इस बोर्ड के तहत क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो अकॉर्डिंगली आप बायोडाइवर्सिटी एक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम ABS की बात करते हैं, राइट, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात करते हैं, वो क्या चीज़ है, और जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है किस तरह का है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, आपने ध्यान रखनी है इस टॉपिक से। और एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन स्पीसीज को भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, आई थिंक यहाँ से कोई क्वेश्चन देखा नहीं गया है, तो कौन कौन सी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं और क्या कंजर्वेशन स्टेटस है हमारे हिमाचल प्रदेश में एंडेंजर्ड स्पीसीज को लेकर, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या बने हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने कंसेप्ट ऑफ इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के बारे में इन्होंने बात, हमें पता है कि हमें बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया हैं, उनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और रामसर वेटलैंड साइट्स हैं, सो उन सब चीज़ों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा, किसी भी कंटेक्स्ट में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, स्टेटस क्या है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश का स्टेटस क्या है इस बोर्ड का, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं रिसेंटली, तो कंटेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है, अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ योर हिमाचल प्रदेश बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये सेलिएंट फीचर्स में पूछे गए हैं, तो इस एक्ट को आपने जो है वो बताना है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके पास, डिस्क्राइब द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन हिमाचल प्रदेश, तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी पूछा गया था। एक्सप्लेन द स्कीम स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में आपके जो फॉरेस्ट वाला सेक्शन है उसमें बड़ी सारी स्कीम्स जो है वो दी गई हैं, ठीक है, बड़ी सारी एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स भी हैं, उनको भी एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस टॉपिक। आई थिंक एक और क्वेश्चन, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, दो बार आई थिंक ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, राइट। तो यस, यहाँ पे इन्होंने डिस्कस द सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स, ये इन्होंने दोबारा रिपीट किया, तो यही टॉपिक है। उसके बाद
एक और क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द बायोडायवर्सिटी इन हिमाचल प्रदेश, और 16 में इन्होंने पूछा है, तो मतलब इन्होंने बार बार क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रेलिवेंस एंड रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, यहाँ से इस पर्टिकुलर टॉपिक से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन अभी तक इन्होंने पूछे हैं। डिस्क्राइब एनी फोर रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ हिमाचल प्रदेश, जी आई टैग्स के बारे में पूछा गया है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था रिसेंटली। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिमाचल प्रदेश पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर, ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं हिमाचल प्रदेश पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर के, ठीक है, 2020 में रिसेंटली ये पूछा गया है, और दोनों ही क्वेश्चन जो है 2020 में ही पूछे गए हैं। एंड देन इनमरेट एनी फाइव आइटम्स विच हैव बीन पेटेंटेड फॉर और फॉर विच अटेम्प्ट आर बींग मेड टू गेट द पेटेंटेड इन हिमाचल प्रदेश प्रॉपर्टी राइट्स। आपने कुछ ऐसे फाइव आइटम्स जो है वो उनके बारे में बताना है, ठीक है, ये भी सिंपल सा प्रश्न है। तो दीज आर द क्वेश्चन, ठीक है, और अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा कि ट्रेंड किस तरह का रहा है। मैक्सिमम जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, तो ये ट्रेंड रहा है इस यूनिट से, तो अकॉर्डिंगली आप टारगेट कीजिएगा इस पर्टिकुलर सेक्शन को। और क्वेश्चन कुछ सैम्पल क्वेश्चन हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, मे बी ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल रहे। व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश, जरा सोचिए इस क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे, कैसे इसको अटेम्प्ट करोगे, ये क्वेश्चन आपके सामने 4 मार्क्स का है। तो जिस तरह का ट्रेंड रहा है उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप इसमें क्या लिखोगे, इसमें बेसिकली अगर पूछा गया है व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर, तो यहाँ पर देखिए बायोटेक्नोलॉजी तो है ही, इसमें प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात की, तो आपने बताना है कि प्लांट्स की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन को यूज़ करके हम क्या कुछ कर रहे हैं, किसकी सेक्टर जगह पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में अपने यहाँ पर बात। देखिए हमारे हिमाचल प्रदेश में क्या क्या जो है वो अभी देखा जाए, तो आपने आई थिंक पॉपुलर के बारे में सुना होगा, पॉपुलर प्लांट ट्री के बारे में। तो पॉपुलर ट्री में भी हम जो है वो एग्रोबैक्टीरियम जो है वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे पुट इन कर सकते हैं। अगर हम आंसर की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने भी कुछ इस तरह के कुछ जो है पार्ट जो है पुट इन किए हैं, हम एप्पल रिसर्च के लिए एक पर्टिकुलर यहाँ पे जेनोमिक्स जो है प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, वो आप मेंशन कर सकते हैं। हम इन वाइट्रो प्रोपगेशन भी कर रहे हैं, हमारे पास एक पर्टिकुलर एंडेंजर्ड स्पीसीज है जिसको हम कुत बोलते हैं, और कुत का एक जेनरिक नेम है, दैट इज योर ससुरे सेस्टस या ससुरे योर लापा, राइट, ये इनके जेनरिक नेम है। तो जो कुत है, ठीक है, उनकी हम इन वाइट्रो प्रोपगेशन कर रहे हैं, ये एंडेंजर्ड मेडिसिन प्लांट है, और आपको पता होगा इनके फायदे भी पता होना चाहिए। देखिए हमारे जो एंडेंजर्ड जो प्लांट स्पीसीज हैं, जैसे कि सिंगली मिंगली हो गया, ठीक है, कुत हो गया, रतन जोत हो गया, वन ककड़ी हो गया, सलम पंजा हो गया, तो इनकी आपको कुछ इनके जो फायदे हैं ना, ये मेडिसिन जो प्लांट्स हैं इनके फायदे भी आपको पता होना चाहिए, और ये सारे एंडेंजर्ड है, राइट। तो ये आप यहाँ पे जो है पुट इन कर सकते हैं कि इन वाइट्रो प्रोपगेशन हम कर रहे हैं इन प्लांट्स की, ताकि हम इनको बड़े पैमाने पर स्केल के ऊपर जो है इनको कंजर्व कर सकें, ठीक है। और नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ जेनोमिक्स प्लेटफॉर्म, ये तो मैंने आपको बता दिया, फॉर पीपल रिसर्च इन इंडिया, ये भी हम पुट इन कर सकते हैं। एंड वी आर ऑल्सो प्रिवेंटिंग द एक्सटेंशन ऑफ योर सम एंडेंजर्ड प्लांट्स, वो भी आप पुट इन कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और साथ में स्क्रीनिंग भी हम कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन प्लांट्स की, जो कि कहीं ना कहीं के पास वाटर स्ट्रेस जो है वो टॉलरेंट है, ठीक है, तो उस वे में भी हम जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं ऑफ इंपॉर्टेंट मेडिसिन एरोमेटिक हर्ब्स फॉर वाटर स्ट्रेस टॉलरेंट, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जिसमें कहीं ना कहीं ड्रॉट एरिया में भी जो है वो किस तरह से ये बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, और कैसे हम इनकी जो है वो ये बाकी में जो है वो ये उस जगह पे उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो है ये अच्छे से फ्लरिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसकी उनकी प्रॉपरली स्क्रीनिंग भी चल रही है, ठीक है। तो ये कुछ सेक्शन आप यहाँ पे पुट इन कर सकते हैं, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं कि हम ऐसी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि जो स्ट्रेस रेजिस्टेंस प्लांट्स जो है वो यहाँ पे पैदा कर रहे हैं, कि ड्रॉट एरिया में भी जो है प्लांट अच्छे से डेवलप कर सके, राइट। तो ऐसे कुछ सेक्शन जो है लास्ट का जो पॉइंट है डील करता है। तो दीज आर द पॉइंट्स आई हैव मेंशन, आप और भी पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज आपकी मेडिसिन जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है उसमें बड़े सारे इन्होंने जो है वो चीज़ें मेंशन की, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में हम क्या क्या कर रहे हैं, ऐसे ही इंडस्ट्रीज में हम क्या कर रहे हैं, हो सकता है उस कंटेक्स्ट में भी पूछ लिया जाए, ठीक है, इंडस्ट्रियल योर बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री व्हाट वी आर डूइंग, अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन द स्टेट, तो इसमें बेसिकली पूछा है कि नोट आपसे जो है वो बेसिकली मांगा है ऑन द कंजर्वेशन स्टेटस, इसमें आपने क्या करना है, आपने जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके बारे में बताना है, जो कंजर्वेशन स्टेटस है कि कितनी कितनी जो है वो स्पीसीज को जो है वो थ्रेटन्ड घोषित किया गया है, किसने किया है, ठीक है, मेन बॉडी कौन है वो आप बता सकते हो, और आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता सकते हो कि किस तरह का जो है वो
हमारी मेडिसिनल प्लांट्स को लेके क्या कुछ हमारे हिमाचल प्रदेश में चला आ रहा है काफ़ी टाइम से, तो वो कुछ वो भी मेंशन कर सकते हो। मैंने भी उस तरह से कुछ मेंशन किया है, ठीक है। जैसे कि 90% स्पीसीज हमारी हमारी जो मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो हार्वेस्टिंग है वो बहुत ही जो है वो यू कैन से दैट डिस्ट्रक्टिवली जो है वो हो रही है, ठीक है। उनके तरफ पहले ध्यान नहीं दिया जा रहा था, बहुत लोग जो है उनको जो है वो अपनी जो है वो मर्जी से जो है कहीं ना कहीं उनको हार्वेस्ट कर रहे थे, और ये पता नहीं, उनका स्टेटस पता नहीं था कि कितना वो प्लांट बाकी में एंडेंजर्ड हो चुका है। उसके बाद में जो है रियलाइजेशन हुई, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में थोड़ी इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं कि मोर देन 90% ऑफ स्पीसीज जो है दैट इज अनथ्रेटेड इन दी स्टेट आर हार्वेस्टेड फ्रॉम द वाइल्ड एंड आर हार्वेस्टेड वेरी डिस्ट्रक्टिवली, ठीक है। उसके बाद जो है आप बता दो कि जो IUCN है उसने कुछ स्पीसीज जो है उनको एंडेंजर्ड लिस्ट में डाला गया है, ठीक है, रेड लिस्ट में डाला गया है, जिसमें ओवरऑल 22 स्पीसीज हैं और कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जिसमें रतन जोत, सलम पंजा, ठीक है, और आपके पास अतीस, मोहरा, ठीक है। इन स्पीसीज का नाम आप जो है वो कोटिंग कर सकते हैं, सिंगली मिंगली एटसेट्रा। तो इस क्वेश्चन में यही कंटेंट आ रहा था, ठीक है। एंड आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, तो ये इसी बात हो रही है। आप जरा सोचिए, हिमाचल प्रदेश इंफॉर्मेशन पेटेंट सेंटर, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बताना है, उसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में आपने इंट्रोडक्शन देनी है कि 8 नंबर में है, तो अकॉर्डिंगली आपका कंटेंट रहेगा। ऑब्जेक्टिव्स जो है इसके क्या क्या हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आप क्या कहोगे, सबसे पहले जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जो वैल्यू है, क्या अहमियत है, वो आपने बतानी है, ठीक है। इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में बाकी में IPR जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, तो उसके बारे में आपने बता दिया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश जो पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, दैट इज़ एक्चुअली द मेन मेन इंपॉर्टेंट सेंटर जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ योर ऑफ योर इंटेलेक्चुअल्स। तो इसमें एक काउंसिल है, दैट इज़ योर हिमकॉस्टे। हिमकॉस्टे बहुत सारी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, हिमकॉस्टे के अंदर बहुत कुछ आता है, तो हिमकॉस्टे के ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जा सकते हैं, और डिफरेंट प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव जो लिए गए हैं हिमकॉस्टे के द्वारा वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर द साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ठीक है, फाइन। तो दिस इज द एक्चुअली द मेन पर्टिकुलर बॉडी, ठीक है, इट कंटिन्यूज द एक्टिविटी ऑफ योर पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेक्टर। तो हिमकॉस्टे को भी थोड़ा एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इसके बेस ऊपर क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है। सो यही आप इंट्रोडक्शन में पुट इन कर सकते हैं। उसके बाद सीधा आपको ऑब्जेक्टिव पूछे गए, ऑब्जेक्टिव्स आपने पुट इन करने हैं। ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले अवेयरनेस के बारे में बात करूँ कि सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव तो इन्फॉर्मेशन पेटेंट सेंटर का यही है कि हमने अवेयरनेस पैदा करनी है इन द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, राइट, और जो भी R&D और इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, वहाँ पर अवेयरनेस पैदा करनी है, जो भी रिसर्चर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ठीक है, कि कैसे पेटेंट किया जा सकता है, तो अवेयरनेस डेवलप करनी है। पेटेंट भी कर सकते हैं और यही जो है इसके प्रोसीजर होते हैं। उसके बाद हमें फैसिलिटेट करना है यूनिवर्सिटीज़ को रिगार्डिंग द पेटेंट की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंकरेज करें और वो इनोवेशन करें और जो है पेटेंट करें, ठीक है। उसमें फैसिलिटेट करने हैं हमने यूनिवर्सिटीज़ को, वो आप पेटेंट कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेल बनाने, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेल हमने यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो सेटअप करना है, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव में आता है। उसके बाद वी हैव टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट। हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी हमने जो है वो डेवलप करना है जिससे पेटेंटिंग करना बहुत आसान हो जाए, वो उससे भी आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन ये इसी में ऑब्जेक्टिव्स में ही आएगा। उसके बाद ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है और कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है फॉर द पोस्ट फाइलिंग के लिए, ठीक है, पोस्ट पेटेंट फाइलिंग के लिए। उसमें भी आगे फर्दर इस तरह के जो है टेक्नोलॉजी, इसमें आपका वैल्यूएशन एंड ऑडिट एंड टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग एंड योर कमर्शलाइजेशन के बारे में ज़्यादा बात होती है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप ये जो कंटेंट है ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इस क्रिशियल टाइम पे, एंड मेरी बेस्ट विशेज हैं, आप तैयारी करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, थैंक यू।